को जुल्म तुम्हारे सहने में, सुन सको मैं कड़वा हो रहा हूं, आठ पंक्तियां सुन लेना, हिंदुस्तान का इतिहास बताता हूं। जिन लोगों ने कहा मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं दोस्तों, मर्दों से नहीं कोई ना मर्दों से दिक्कत है, ना तुम्हारी पट्टी ना पर्दों से दिक्कत है, तुमसे नहीं है दिक्कत मेरे भाई मुसलमानों, इस देश में सबका खून है, ये देश सबका है। एक शायर ने लेकिन कह दिया, बोले ये देश किसी के बाप का नहीं है। हमने कहा, हमने कब कहा कि यह देश आपका नहीं है, आपके आपका या आपके बाप का नहीं है, पर जो सच है उसे जानो तो सही, और बाप को ही बाप तुम मानो तो सही है, बाप को ही बाप तुम मानो तो सही। इसलिए ने सदियां बीत गई हैं हमको जुल्म तुम्हारे सहने में, नदियां नदियां आंखों से बह जाती एक कथानक कहने में, याद करो जब देश हमारा था अभीष्ट उत्थान पर, तब कासिम ने हमला बोला। मैं फिर स्पष्ट करता हूं, किसी धर्म से विरोध नहीं, मर्दों से नहीं कोई ना मर्दों से दिक्कत है, ना तुम्हारी पट्टी ना पर्दों से दिक्कत है, तुमसे नहीं है दिक्कत मेरे भाई मुसलमानों। सैफुल्ला नाम का एक आतंकवादी पकड़ा गया तो उसके बाप ने मना कर दिया, बोले मैं ये सब लेने से इंकार करता हूं, कोई आतंकवादी मेरा खून नहीं हो सकता, मेरी औलाद नहीं हो सकता। हिंदुस्तान की संसद में गृह मंत्री ने उसके अभिनंदन का प्रस्ताव रखा और पूरे देश की संसद ने तालियां बजा करके उसका अभिनंदन किया। हिंदुस्तान सजदा करता है, सलाम करता है ऐसे पिता को। मैं एक बड़े बड़े राष्ट्र पुरुष के प्रांगण में खड़ा हूं, उनके नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय में खड़ा हूं, मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। मैंने तत्काल दिग्विजय सिंह जी को ट्वीट किया, मैंने कहा दिग्विजय सिंह जी अब तो आतंकवादियों के बाप तक को शर्माने लगी, पर आपको? सदियां बीत गई हैं हमको जुल्म तुम्हारे सहने में, नदियां आंखों से बह जाती एक कथानक कहने में, याद करो जब देश हमारा था अभीष्ट उत्थान पर, तब कासिम ने हमला बोला मेरे हिंदुस्तान पर, गजनबी गौरी भी आए हमने बाबर को सहा था, है नहीं अनुमान तुमको रक्त का सागर बहा था, आदमी की जिंदगी गजपाओं से कूटी गई थी और हमारी देवियों की इज्जतें लूटी गई थी। स्वर्ण सी सब संपदाएं बीन करके ले गए थे, सिंध के राजा की बेटी छीन करके ले गए थे, क्या बतलाएं क्या क्या तुमने क्या क्या तब बर्बाद किया, लक्ष्मणपुर लखनऊ में बदला प्रयाग इलाहाबाद किया, जिसको कहते ताजमहल था कभी हमारा पुण्य शिवाला। रशिक जी कह रहे थे ताजमहल वो प्रेम की निशानी, ताजमहल कभी प्रेम की निशानी नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि शाहजहां की चौथी पत्नी थी मुमताज, उसके बाद तीन विवाह और किए। अगर ये प्रेम है, ये मोहब्बत है, ये इश्क है, तो फिर अय्याशी क्या है? जिसको कहते ताजमहल था कभी प्रेम की निशानी, मैं कहता हूं प्रेम की निशानी देखना है तो जाकर के रामेश्वरम के उस पावन तट पर जाओ जहां अब्दुल कलाम जैसे महर्षि का जन्म हुआ, वहां जाकर के राम सेतु के दर्शन करो, जो एक पति ने अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए सौ योजन समुद्र की सीमाओं को लांघ करके बना दिया था, वो है राम सेतु प्रेम की निशानी। जिसको कहते ताजमहल था कभी हमारा पुण्य शिवाला, कुछ विध्वंस किए तुमने और कुछ का नाम बदल कर डाला, तक्षशिला नालंदा फूके मथुरा काशी धाम हमारे, उस पुण्य भूमि पर भी आपत्ति जहां प्रगट श्री राम हमारे, उस पुण्य भूमि पर हम असहिष्णु हो गए इस देश में, उस पुण्य भूमि पर भी आपत्ति जहां प्रगट श्री राम हमारे। एक राजनीतिक पार्टी की सरकार बन गई अभी उत्तर प्रदेश में, बड़े खुश थे वो लोग। मैंने कहा विजय नहीं है जिम्मेदारी है सबके उत्थान की, विजय मिली है कोठारी बंधु के बलिदान की, विजय मिली है कोठारी बंधु के बलिदान की। केवल सत्ता का परिवर्तन अच्छे दिन का चिन्ह नहीं, कभी निष्पक्ष होता है किसी कभी की किसी पार्टी की बापोती नहीं है, केवल सत्ता का परिवर्तन अच्छे दिन का चिन्ह नहीं, ऐसी बातें सुनकर मन ये दुखी हुआ पर खिन्न नहीं, क्योंकि अच्छे दिन आने का मतलब भारत मां खुशहाल बने, खंडित सीमाएं मिल जाए, भारत वर्ष विशाल बने, अच्छे दिन आने का मतलब गौहत्या प्रतिबंधित हो, कश्मीर की क्यारी महके घाटी भी आनंदित हो, अच्छे दिन आने का मतलब निर्मल गंगा का पानी फिर से धरती माता ओढ़े, हरी हरी चूनर धानी, जिस दिन अपने रामलला का मंदिर भव्य बनाएंगे उस दिन अपने भारत के कुछ अच्छे दिन, उस दिन अपने भारत के कुछ अच्छे दिन आ जाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं, यह देश हमारा है हमको यह बात समझनी ही होगी, देशभक्ति की एक नई परिभाषा रचनी ही होगी,
देशभक्ति अब यह है कि हम निज भाषा उपयोग करें, स्वदेशी जीवन शैली हो, स्वदेशी उपभोग करें, चाइनीज राखी नहीं, चाइनीज सामान भी जितना हम छोड़ सके उतना छोड़ दें। देशभक्ति अब यह है कि हम निज भाषा उपयोग करें। और मेरी बहनें बैठी हैं, कुछ तो चली गई, उनके हॉस्टल का टाइम इतना ही था, वार्डन ने कह के भेजा था। वार्डन इस संसार का सबसे दुष्ट प्राणी होता है, इसलिए लेकिन वो बच्चों के लिए, देखो कईयों के जख्म फूट गए, इसलिए वो चली गई। लेकिन आपसे निवेदन करता हूं, दो बहनें बैठी हैं हमारी, रक्षाबंधन है, राखी तुम बांधो किसी कलाई पर। जब आप 7 अगस्त को राखी बांधे अपने भाई की कलाई पर, उससे पहले सुनिश्चित कर लेना कि आपने एक राखी उस सरहद पर तैनात भाई को भेजी है क्या, जो आपकी रक्षा में 24 घंटे खड़ा है। और मैं तो निवेदन करूंगा मैनेजमेंट से भी, एक अभियान चला के बच्चों से राखी कलेक्ट करके भेजें कमांडिंग ऑफिसर्स को, रक्षाबंधन है राखी तुम बांधो किसी कलाई पर, लेकिन पहले प्यार लुटाना उस सरहद के भाई पर।